गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का अध्याय 5, जिसका कि नाम है संज्ञा के विकार लिंग। ठीक है, लिंग का मतलब जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर, है ना। तो सबसे पहले टॉपिक को समझना ज़रूरी है। संज्ञा का मतलब मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दिया था, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है विकार। विकार का मतलब होता है कि कोई कमी या परिवर्तन, ठीक है, इसे हम बोलते हैं विकार। ठीक है, और ये जो लिंग है या जेंडर है, इसके बारे में हम आज के अध्याय के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि संज्ञा के विकार 3 प्रकार के होते हैं, लिंग, वचन और कारक। तो आज हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे। किसका पहला प्रकार? संज्ञा के विकार का पहला प्रकार पढ़ेंगे, जो कि है लिंग। ठीक है, और वचन और कारक जो उसके बाकी के 2 पार्ट हैं, उसे हम आगे के अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए आज समझते हैं कि संज्ञा के विकार लिंग का क्या मतलब है, उसके बारे में हम व्यवस्थित रूप से आज समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं लिंग क्या है, इसकी परिभाषा है ना क्या है। तो ये देखिए, लिंग की परिभाषा यहाँ पर आगे दिया हुआ है। संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहा जाता है। ठीक है, मतलब सामान्य शब्दों में अगर आप समझना चाहें तो जिन शब्दों से आपको उसके स्त्री या पुरुष होने का अनुभव होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर कैसे शब्द हैं जिससे हमें पता चले कि वो कौन सा लिंग है। तो जैसे आप देखिए, रोज़ाना आप उपयोग करते हैं अपने घर में, माता पिता, है ना। माता पिता, ये जो 2 शब्द हैं, इसको तो हम हमेशा अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको आगे ये समझाऊंगा कि आखिर ये जो सारे शब्द हैं, माता पिता, यमुना, शेर, शेरनी, भाई, बहन, ठीक है, इनसे हम किस तरह से समझेंगे कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए माता है, ठीक है, तो माता का मतलब मदर या मम्मी को आप माता बोलते हैं, तो मम्मी कौन से जेंडर में आएंगी? मम्मी आएंगी स्त्रीलिंग में। ठीक है, पिता आएंगे पुरुष लिंग में या पुल्लिंग में। ठीक है, यमुना, ठीक, स्त्रीलिंग में आएगा। शेर, पुरुष लिंग, शेरनी, स्त्रीलिंग। भाई, पुल्लिंग। बहन, स्त्रीलिंग। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं इसके प्रकार। अब देखिए, लिंग के या जेंडर के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लिंग का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो इसके 2 प्रकार होते हैं या 2 प्रकार के लिंग होते हैं। पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे पुल्लिंग के बारे में, आखिर पुल्लिंग है क्या। पुल्लिंग या पुरुष लिंग, ठीक है, तो जैसे कि आपको देखिए शब्द से ही पता चल जा रहा है, जिसमें पुल्लिंग के बारे में हम देखते हैं, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है, मतलब बोध होता है, मतलब बोध का मतलब होता है जानकारी होती है, ऐसे शब्द जिनको सुनने से या बोलने से पुरुष शब्द का या जाति का पता चलता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पुल्लिंग बोलते हैं, पुरुष लिंग बोलते हैं। जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। ठीक है,
ठीक है। तो पिता या बैल या घोड़ा, है ना, ये शब्द सुनने से आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि ये पुरुष है। कैसे, बैल, अब जैसे आप शब्द भी बना के देख लीजिए, जैसे बैल का ही देख लीजिए, है ना, बैल के बारे में ही देख लीजिए आप कि बैल दौड़ता है। हम ये तो नहीं बोलते हैं कि बैल दौड़ती है, है ना। पिताजी ऑफिस जाते हैं, पिताजी ऑफिस जाती है तो नहीं बोलते हैं। तो जहाँ दौड़ता है, खाता है, पीता है, जाता है, उसे उसे उस शब्द को हम या उस वाक्य को हम किस कौन से लिंग से जानेंगे, वो पुरुष लिंग कहलाएगा। ठीक है। दूसरा बात है, देखिए आपका स्त्रीलिंग। तो जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का पता चलता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग। ठीक। अब इसका उदाहरण देखिए कौन कौन सा, जैसे सेठ, सेठ कौन सा लिंग है, पुरुष लिंग है, उसी का बन गया सेठानी, मतलब स्त्रीलिंग। ठीक है। चिड़िया स्त्रीलिंग, हम जैसे बोलते हैं चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया उड़ रहा है तो नहीं बोलते हैं ना, तो उड़ रही है। ठीक है। तो इस चीज़, जैसे एक उदाहरण देखिए यहाँ पर, दादी, मुरली, अध्यापिका, दादी खाना खा रही हैं, दादी खाना खा रही हैं तो नहीं बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ रही है, रहे हैं, करता है, करती है, बैठी हैं, जैसे शब्द आते हैं जिन वाक्यों में, ठीक है, तो उनको हम किस कौन सी लिंग से जानते हैं, उन्हें हम स्त्रीलिंग से जानते हैं। ठीक है। तो उदाहरणों से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सा शब्द पुरुष लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है। तो आपको अब क्या देखना है, लिंग में कितने प्रकार होते हैं, आपने क्या पढ़ा, लिंग के दो प्रकार होते हैं, पुरुष लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष लिंग का मतलब या पुल्लिंग का मतलब होता है जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, है ना। तो कैसे उदाहरण, लिंग के पहचानने के कुछ उदाहरण और उसके कुछ सामान्य नियम, ठीक है, कि इन्हें हम किस तरह से पहचानते हैं। तो सबसे पहले है पुल्लिंग, है ना। सबसे पहले कौन सा लिंग है, सबसे पहले है पुल्लिंग या पुरुष लिंग। ठीक है। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्दों की पहचान, कुछ शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देशों के नाम देखिए, भारत, चीन, अमेरिका, फ्रांस, जापान, है ना, ये भारत देश है, है ना, चीन एक ताकतवर देश है। ठीक है। तो ये वाक्य बोलने से ही हमें पता चलता है कि ये शब्द या ये वाक्य पुल्लिंग है। ठीक। अब देखिए पेड़ों के नाम कैसे पुल्लिंग होते हैं, आम, केला, संतरा, अमरूद। ठीक है। तो अमरूद पक गया है, ठीक है, संतरे का रंग नारंगी है। ठीक है। अमरूद पक गई है तो नहीं बोलते, आम पक गया है हम बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था, जहाँ गया है, रहा है, ठीक है, बैठा है, दौड़ता है, जैसे शब्द आते हैं तो वे कहलाते हैं क्या चीज़, उनको हम बोलते हैं पुरुष लिंग या पुल्लिंग। देखिए, और इसके बाद में अगला है आपका कि पुलिस पुल्लिंग के बाद हम स्त्रीलिंग के शब्दों की पहचान कैसे करें। ठीक है, है ना। तो जो है कि यहाँ नीचे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम स्त्रीलिंग के बारे में जान सकते हैं और उन शब्दों को पहचान सकते हैं। ठीक है। जैसे स्त्रीलिंग भी कई तरह के हैं, जैसे भाषाओं में नदियों के नाम स्त्रीलिंग है, बोलियों के नाम इकारांत, ठीक है,
इकारांत के पार्ट को अगर आप छोड़ दीजिए तो मैं आपको सरल शब्दों में समझा देता हूँ कि जैसे देखिए भाषाओं के नाम से आप कैसे स्त्रीलिंग पहचानेंगे। जैसे पहले देख लीजिए आप हिंदी, तो हम क्या बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। पितृभाषा तो नहीं बोलते, मातृभाषाओं का मतलब, मातृ का मतलब माता, ठीक। तो माँ या मदर कौन सा लिंग में आएगा, कौन सा जेंडर में आएगा, उसे हम बोलते हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत बोलते हैं। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, ठीक है। तो भाषाएं भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग हो सकती हैं, ठीक है। गंगा नदी या गंगा मैया हम बोलते हैं, देखिए, ठीक है। या गंगा देवता तो नहीं बोलते ना, सरस्वती मैया बोलते हैं, ठीक। भाषाएं भी, भाषाएं जैसे मैंने आपको बता दिया है, देखिए, या बोलियां, हिंदी है ना, हिंदी हमारे देश की बोली है, ठीक है। भोजपुरी भी बोलियों के अंतर्गत में आता है, ब्रिज भाषा बोलियों के अंतर्गत में आता है। तो केवल इन उदाहरणों का मतलब ये है कि केवल इंसानों को ही आप पुरुष लिंग या स्त्रीलिंग के नाम से नहीं पहचान सकते हैं। हम भाषाओं में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, नदियों में भी होता है, बोलियों में भी होता है, पशु पक्षियों में भी होता है। जैसे पशु पक्षियों का उदाहरण देखिए, जैसे घोड़ा कौन सा लिंग है, घोड़ा जो है पुरुष लिंग के अंतर्गत में आता है, घोड़ी स्त्रीलिंग के अंतर्गत में आती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिंगों को डिवाइड करते हैं और पहचान सकते हैं कि कौन सा पुरुष लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। और एक देखिए दूसरा प्रकार कि आ को ई करके हम बदल सकते हैं, ठीक है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में। जैसे दादा को दादा है, उसको हमने दादी कर दिया, ठीक है, ई की मात्रा लगा दी, दादा ने दादा की जगह दादी का कर दिया, ई की मात्रा लगा दी, तो पुरुष लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। बेटा है, आ की मात्रा है, ई की मात्रा लगा दिया तो बेटी हो गया। इसी तरह से आप बाकी उदाहरण देखिए, पुत्र का पुत्री है, नाना का नानी है, लड़का पुलिस लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है, घोड़ा पुल्लिंग है, घोड़ी स्त्रीलिंग है। इस तरह से हम लिंगों को पहचानेंगे और उनका निर्धारण करेंगे कि आखिर वह कौन सा लिंग है, ठीक है।